आजकल बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के अंदर बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ आ चुका है कि हमारा शरीर पहले के मुकाबले में लगातार कमजोर बन रहा है। तो ये सभी प्रकार की बीमारियों को ये दूर करता है। आयुर्वेदा के अंदर मदर ऑफ ऑल रेमेडीज कहा गया है और इतनी अद्भुत पद्धति के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, हम सभी लोग कहते हैं कि हेल्थ इज रियल वेल्थ, लेकिन क्या सच में हम हमारी हेल्थ को हमारी रियल वेल्थ मानते हैं? क्योंकि आजकल हम सभी लोग इस बात को जानते हैं कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी पूरी लाइफस्टाइल, हमारा खान पान और सब कुछ इतना बिगड़ चुका है कि हम लगातार हमारी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और जाने अनजाने में वेल्थ कमाने के पीछे हम इतना भाग रहे हैं कि हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है और इसीलिए आजकल बीमारियां बढ़ रही है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं और एक ऐसी पौराणिक पद्धति के बारे में बात करने वाला हूं जो पौराणिक पद्धति हमें बेहतरीन स्वास्थ्य वापिस पाने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं उसके लिए? वो पद्धति इतनी गजब की है कि उसे आयुर्वेदा के अंदर मदर ऑफ ऑल रेमेडीज कहा गया है और इतनी अद्भुत पद्धति के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, हम जो भी खान पान आजकल खाते हैं उससे हमारे शरीर में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आजकल बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के अंदर बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ आ चुका है कि हमारे दिन भर दिन की खान पान की प्रक्रियाओं के कारण और हमारी लाइफस्टाइल के कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन कुदरत ये बात जानती थी कि हम लगातार हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाएंगे, जस्ट फॉर द जोक, लेकिन ये बात सही है कि हमारा शरीर भगवान ने ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि वो खुद हमारे इस टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकता है। कुदरत ने हमें हमारे शरीर के अंदर के इस टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए 4 दरवाजे दिए हैं। हम जो कुछ भी खान पान खाते हैं उसमें से शरीर को जो भी चाहिए वो रख लेता है और बाकी की चीजों को वो वेस्ट के रूप में शरीर से निकाल देता है और ये निकालने की प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। शरीर का कचरा जो शरीर में जमा होता है वो ज्यादातर रूप से ये 4 तरीके से निकलता है और पूरा शरीर इसके ऊपर एक सिस्टमेटिक रूप से काम करता है। उसमें से पहला दरवाजा, पहले सिस्टम जो है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की, बॉडी के अंदर कचरे को बाहर निकालने की, वो है हमारी ब्रीदिंग। हम जब जोर जोर से सांसें लेकर सांसों को छोड़ते हैं तो उच्छ्वास के रूप में हम हमारे बॉडी में से कुछ वेस्ट को बाहर निकालते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, योगा प्राणायाम जो हम करते हैं उससे हमारे शरीर में से हमारा टॉक्सिन रिलीज होता है। सेकेंड थिंग, हम जब पसीना बहाते हैं तो पसीने के जरिए हमारे बॉडी में से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी बाहर निकालती है। अब आप सभी को पता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग जितना पसीना बहाते थे शायद हम लोग उतना पसीना आजकल नहीं बहाते हैं। तो देखिए, हमने योगा प्राणायाम बंद कर दिया जिसके कारण हमारा ये वाला जो दरवाजा था वो हम ही ने बंद किया। दूसरा, पसीना। आजकल की लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो चुकी है कि हम लोग गाड़ी में भी एसी में रहते हैं, ऑफिस में भी एसी में रहते हैं, हर जगह जहां पर भी घर पे जाओ तो भी एसी है और अगर बाहर भी कहीं पे निकलना हुआ और अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो हम किसी पेड़ की छांव को ढूंढते हैं, सिकंजी पी लेते हैं और अपने आप को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। हमारा पसीना बाहर निकालने के लिए हमें जो काम करना चाहिए उसकी बजाय हम पसीने को रोकने के लिए सारा काम करते हैं। तो जब सोचिए कि जब शरीर में से कचरा बाहर निकालने की प्रक्रिया डिस्टर्ब होगी तो वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं तो जमा होगा और हर प्रकार की बीमारियों की जड़ कहीं ना कहीं फिर ये टॉक्सिन्स बन रहा है। तीसरा दरवाजा अगर मैं बात करूं तो तीसरा दरवाजा है हमारा वॉशरूम। किडनी के जरिए पूरा का पूरा बॉडी का पानी फिल्टर होके वॉशरूम के जरिए हमारा शरीर कचरा बाहर निकालता है। लेकिन आपको बताऊं, हमारा शरीर ये कचरा तभी बाहर निकाल पाएगा प्रॉपर तरीके से, किडनी हमारी तभी प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगी जब हम लोग एवरीडे, जब हम लोग दिन में 15 से 25 ग्लास तक पानी रोजाना पीना शुरू करें एवरीडे।
हम सभी को पता है कि हमें पानी याद कब आता है। हमें सुबह पानी याद आता है, दोपहर को पानी याद आता है, शाम को पानी याद आता है, बाकी कभी प्यास लग गए तो ठीक है। बाकी स्पेसिफिकली हम लोग 15 से 25 ग्लास पीते हैं कि नहीं पीते हैं, इसका कैलकुलेशन, इसका ध्यान हम लोग नहीं रखते हैं। अब जरा मुझे सिंपल सा एक एग्जांपल दे, देखिए मैं समझा रहा हूँ, मुझे सिंपल सी बात बताना। अगर मैं आपको पूछूं कि 15 जोड़ी कपड़े हैं, उसको धोने के लिए आपको मैं अगर 2 टम्बलर जितना पानी दूं, तो क्या हम धो पाएंगे? हमारे बॉडी में भी टॉक्सिन रिमूव करने के लिए जो पानी चाहिए, वो पानी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, और अगर नहीं दे रहे हम उसको, तो वो हमारी किडनी के ऊपर इफेक्ट करता है। हमारी किडनी की प्रोसेस, जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं डैमेज होती है, और इसीलिए हमें बहुत सारी बीमारियां होती है। चौथा दरवाजा जो टॉक्सिन रिमूव करने का है, दैट इज स्टूल। हम लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम लोग हमारा वेस्ट बाहर निकालते हैं, बॉडी का कचरा बाहर निकालते हैं स्टूल के जरिए। और ये चौथा दरवाजा जो है ना, वो एक रिसर्च के आधार पे कहा गया है कि हर 10 में से 5 से 7 लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना खराब है कि चौथा दरवाजा हमेशा बंद ही रहता है। मतलब कि कब्ज की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, ये आजकल कॉमनली देखा गया है। तो 4 दरवाजे कचरे को बाहर निकालने के थे, पहला था ब्रीदिंग, दूसरा था पसीना, तीसरा वॉशरूम, चौथा टॉयलेट के जरिए हम लोग हमारे कचरे को बाहर निकालते हैं, स्टूल के जरिए बाहर निकालते हैं। और चारों दरवाजों को प्रॉपर काम करने के लिए जो जो हमें करना चाहिए, शायद हम नहीं कर रहे हैं। और प्यार से बताना चाहता हूं, समझ जाइएगा तो बहुत अच्छी बात है, हम कचरे को बाहर निकालने के लिए जो करना है वो तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने में शरीर में इतना कचरा डाल भी रहे हैं लगातार, कि हमारा शरीर पहले के मुकाबले में लगातार कमजोर बन रहा है। हमारे बॉडी में यह टॉक्सिन एक प्रकार के जहर का काम करता है। आयुर्वेदा कहता है कि वात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष से हमारा शरीर बना हुआ है। लेकिन आपको बताऊं, इसी आयुर्वेदा में एक और दोष की बात कही गई है, जो इनके बाद चौथा दोष गिना जाता है, वो है आम दोष। और ये आम दोष यानी कि मेटाबॉलिक टॉक्सिन। हमारे शरीर में डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट बचता है, वो टॉक्सिन बॉडी में से रिमूव नहीं होता है, तो ये बॉडी में आम को बढ़ाता है, और आम का स्वभाव विष के समान होता है। वात का स्वभाव रुक्ष होता है, पित्त का स्वभाव जो होता है वो उष्ण होता है, कफ का स्वभाव चिकास वाला होता है, लेकिन आम का स्वभाव जो होता है वो विष के समान होता है, जो जल्दी से फैलता है और शरीर को अंदर से ही मार देता है। माय डियर फ्रेंड्स, टॉक्सिन रिमूव अगर नहीं किया तो हमारा शरीर धीरे धीरे करते करते बीमार होना शुरू हो जाएगा। सभी बीमारियों की जड़ ही यहीं पर है। तो क्या हमें ये टॉक्सिन को दूर करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेनी चाहिए? क्या हमें ये टॉक्सिन को दूर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आयुर्वेदा हमें कैसे हेल्प कर सकता है, क्या हमें इसकी डिटेल में जानकारी लेनी चाहिए? अगली 5 मिनट के अंदर मैं आपको सारी डिटेलिंग देने वाला हूं, तो मेरे साथ बन रहिएगा। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हमारे शरीर में 4 दरवाजे हैं टॉक्सिन को दूर करने के, और ये चारों के चारों दरवाजों को हम ही ने बंद करके रखा हुआ है एक प्रकार से, क्योंकि हम हमारी लाइफस्टाइल को इतना खराब कर चुके हैं कि हमारी बॉडी में से टॉक्सिन रिमूव नहीं हो रहा, और ये टॉक्सिन हमारे शरीर में रहकर हमारे शरीर को गंदा कर रहा है। लेकिन आयुर्वेदा में इसका जबरदस्त उपाय बताया गया है। इस प्रक्रिया को, जिसको मैं आपको बताने वाला हूं, उसको 5th डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि ये 4 दरवाजे अगर प्रॉपर काम नहीं करते, तो ये 5वीं प्रक्रिया करने से हमारी ये चारों की चारों सिस्टम वापस से एक्टिवेट हो जाती है, वो अपने फ्लो में आ जाती है। और ऐसी अद्भुत प्रक्रिया जो कई हजारों साल पहले शास्त्रों में लिखी गई थी, वो प्रक्रिया का नाम है पादभ्यंग प्रक्रिया। इट इज वेल नोन डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया फ्रॉम द आयुर्वेदा, यानी कि आपके शरीर के इस कचरे को निकालने के लिए एक अद्भुत प्रक्रिया जो शास्त्र में लिखी गई है, वो प्रक्रिया है पादभ्यंग प्रक्रिया। पाद यानी कि पैर, और अभ्यंग यानी कि मसाज। आपको थोड़ा सा सिंपल करके बताता हूं। क्या आपने कभी अपने बड़े बुजुर्गों से ऐसा सुना है, या फिर आपने कभी देखा है कि कांसे की कटोरी से हमारे पैरों के तलवों में मसाज करी जाती थी, है ना? हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, अलग अलग घी से या फिर तेल से अलग अलग प्रक्रिया करते थे और मसाज करते थे। तो ये पैरों के तलवों पर मसाज करने की प्रक्रिया को ही पादभ्यंग प्रक्रिया कहा जाता है। हजारों सालों से चली आ रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये प्रक्रिया चरक संहिता,
सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, तीनों जो हमारे मेजर ग्रंथ है, उन तीनों ग्रंथों के अंदर इसके बारे में डिटेलिंग दी गई है कि ये एक अद्भुत प्रक्रिया है। दिस इज कॉल्ड मदर ऑफ ऑल रेमेडीज। आयुर्वेद में जितनी भी अलग अलग रेमेडीज है उन सभी की माता के समान जिसको गिना गया है वो है पादभ्यंग प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में 72,000 नसनाड़ियां हैं। वैसे तो आयुर्वेदा ये कहता है कि हमारा शरीर उल्टे पेड़ के समान है, यानी कि हमारे दिमाग में जड़े हैं और यहां से पूरे बॉडी में कनेक्शन जाता है। लेकिन उसका उल्टा भी सही है कि हमारे पूरे बॉडी की नसनाड़ियां जो है उसका कनेक्शन हमारे पैरों के तलों के साथ है। हार्ट, लंग्स और जितने भी मेजर अलग अलग ऑर्गन्स है उन सभी से जुड़ी हुई नर्व्स हमारे पैरों के तलों के साथ भी जुड़ी हुई है। और जब पैरों के तलों पर इसकी मसाज करी जाती है तो बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिलते हैं। सबसे पहला तो हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसकी प्रक्रिया को ये मजबूत करता है, उसको स्टिम्युलेट करता है, जिसके कारण हर 4 कोशिकाओं के बाद में, ब्लड सेल्स की 4 कोशिकाओं के बाद में 5वीं कोशिका है वो हमारी ब्लड आर्टरी के साथ कनेक्टेड होती है जिसमें से टॉक्सिन रिलीज होता है। जब ये ब्लड मैन्युपुलेट होता है यानी कि ब्लड का जो फ्लो है वो पादभ्यंग प्रक्रिया करने के कारण एकदम प्रॉपर सिस्टमेटिक रूप से जाता है तो बॉडी खुद अपना डिटॉक्सिफिकेशन करने की प्रक्रिया को एक्टिवेट करती है और उस प्रक्रिया को बूस्टअप करती है। यानी कि पादभ्यंग प्रक्रिया से हमारा बॉडी नेचुरली, अगर मैं सिंपल लाइन में कहूं तो पादभ्यंग प्रक्रिया से हमारा बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की अपनी खुद की प्रक्रिया को रीएक्टिवेट करता है, उसको रीजनरेट करता है। एंड दैट्स व्हाई पादभ्यंग करने के बाद कई सारे लोगों को ज्यादा बार वॉशरूम जाना पड़ता है या फिर टॉयलेट जाना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है जो प्रक्रिया के अनेक सारे फायदे हैं। सबसे पहला अगर मैं आपको बताऊं, वात दोष जिन भी लोगों को है उनको ये वात दोष दूर करने का काम करती है। अनिंद्रा की समस्या जितने भी लोगों को है, नींद नहीं आती ढंग से, उन लोगों के लिए ये एक रामबाण इलाज के समान है। इवन आपको बताऊं, आंखों के पीछे की आर्टरीज में जब सूखापन आ जाता है, कई बार आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो पादभ्यंग को तो आंखों के लिए एक वरदान के समान प्रक्रिया कही गई है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो पादभ्यंग हमारे शरीर के लिए इतनी इंपॉर्टेंस है जितनी इंपॉर्टेंस हमारी सांसों की है। हम सांसें जितनी ज्यादा बार लेते हैं उतना बॉडी को एनर्जेटिक फील करते हैं, वैसे ही जितनी ज्यादा बार हम लोग एवरीडे एक बार कम से कम हर महीने में कम से कम 15 से 20 बार अगर हम पादभ्यंग करते हैं हमारी बॉडी अपनी एनर्जी को वापस लेती है क्योंकि फ्लो प्रॉपर वे में मैनेज हो जाता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट है लेकिन अगर मैं आपको एक प्रॉपर एविडेंस के आधार पर बताऊं तो चरक संहिता के अध्याय 5 में एक श्लोक के अंदर इसके सारे प्रकार के फायदे के बारे में कहा गया है। खरत्वम स्तब्धता रोक्ष्यम श्रम सुप्तिश्च पादयोः, यानी कि हमारे पैरों में खरत्वम अर्थात कि खुरदरापन हो, स्तब्धता यानी कि डायबिटीज के कारण या फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स के कारण जो स्टिफनेस आ जाती है उसका, और श्रम सुप्तिश्च यानी कि हमारा जो श्रम है, पूरी पैरों की जो थकावट है, शरीर की जो थकावट है उसे ये दूर कर देता है। इतने नहीं और भी अनेक सारे फायदे हैं, जैसे कि अनिद्रा की समस्या को नियंत्रित करने में ये उपयोगी है, आंखों के काले घेरे जो हो चुके हैं आंखों के नीचे उसको दूर करने में, घुटनों के दर्द, एड़ी के दर्द, कमर दर्द और ऐसे तो अनेक प्रकार के बेनिफिट आप इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पाते हैं। और ये अद्भुत प्रक्रिया आपके शरीर के लिए इतनी गजब की है दोस्तों कि हमारे शरीर में 900 मात्रा कला के समय में, शास्त्र कहता है 900 मात्रा कला यानी कि अप्रोक्सीमेटली अगर आज का समय बताऊं तो होता है अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट। 900 मात्रा कला के अंदर अंदर हमारे शरीर में जिस भी तेल या जिस भी स्नेह से मसाज करी जाती है वो स्नेह को यह हमारे बॉडी के कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। मात्र 300 मात्र कला में त्वक यानी कि त्वचा के रोम छिद्रों तक पहुंचा, रोम कुपा तक पहुंचता है। 400 मात्र कला में त्वक यानी कि त्वचा के 7 लेयर से वहां तक इसकी स्नेह की ताकत को पहुंचाता है अभ्यंगा की प्रक्रिया। 500 मात्र कला में रक्त, 600 मात्र कला में मांस, 700 मात्र कला में मेद, 800 मात्र कला में अस्थि और 900 मात्र कला के अंदर अंदर मज्जा तक ये अभ्यंगा में जो स्नेह का प्रयोग होता है उसको पहुंचाने का काम करती है पादभ्यंग प्रक्रिया। वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष की मैंने आपको बात करी और चौथा दोष जो माना गया है वो है आम दोष यानी कि विष, जिसे कहते हैं हमारे शरीर का टॉक्सिन्स कहते हैं। इन चारों दोष को
बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये अद्भुत प्रक्रिया है। और इसी अद्भुत प्रक्रिया का सेंटर ओपन करके आयुर्वेदा की जागरूकता लाके हम लोगों के अंदर हेल्थ की एक क्रांति ला सकते हैं। और यही प्रयास टीमैक्स रिटेल लिमिटेड के द्वारा आज पूरे भारत भर में हो रहा है। 300 से भी ज्यादा अलग अलग जगहों पे सेंटर ओपन करके हमने पादभ्यंग प्रक्रिया की लोगों को जानकारी दी है। इससे भी ज्यादा जो ये वीडियो है तो शॉर्ट हमको बनाना पड़ रहा है, लेकिन इससे भी कई गुना ज्यादा हमने लोगों को जानकारी देकर लोगों को ये थेरेपी के अनेक फायदे दिए हैं। अगर आप भी हमारा पादभ्यंग का सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जिस भी इंसान ने आपको शेयर किया है उसका कॉन्टेक्ट करिए और पादभ्यंग वेलनेस सेंटर को ओपन करने के लिए हमारा संपर्क करें। माय डियर फ्रेंड्स, शरीर एक वेल्थ के समान होता है। हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको अगर हम लोग नॉर्मल मार्केट में देखें तो करोड़ों की हमारी संपत्ति है। हम शायद हजारों या लाखों कमाने के लिए इस करोड़ों की संपत्ति को कॉम्प्रोमाइज करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको खराब कर रहे हैं। और कई बार आपने और हमने देखा है कि लाखों करोड़ों कमाने के बाद जब इसका ख्याल नहीं रखा जाता तो वो लाखों करोड़ों एंड में इसी के पीछे खर्च हो जाते हैं। आयुर्वेदा इस सभी बीमारियों की जड़ से खत्म करने का एक ब्रह्मास्त्र है। मैं हमेशा कहता हूं कि आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं है, आयुर्वेदा एक जीवन शैली है। और यह जीवन शैली को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनमें जागरूकता लाने के लिए यह पादभ्यंग प्रक्रिया एक जबरदस्त टूल के समान है, ब्रह्मास्त्र के समान है, जिससे कि हम लोगों में जागरूकता ला सकते हैं। तो इस पादभ्यंग की डिटेलिंग अभी जो मैंने आपके साथ शेयर की उसको लोगों के साथ शेयर करें, लोगों को बताएं कि पादभ्यंग अद्भुत थेरेपी के कितने सारे फायदे हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार के फायदों को अनुभव करते हैं ना तो आपका विश्वास बढ़ जाता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि इसके बारे में बहुत कुछ यूट्यूब में है, सब कुछ है, लेकिन खुद अनुभव करें, एक बार 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए मसाज करवा के एक्सपीरियंस करें कि आपके बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, और फिर सोचें कि आयुर्वेदा आपके जीवन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि एलोपैथी कहती है कि अगर बीमार हो, आपका बॉडी डिस्टर्ब हो चुका है, आप रोग ग्रसित हो चुके हैं, तो हमारे पास दवाई है। लेकिन आयुर्वेदा कहता है कि अगर मुझे अपना लिया ना तो मैं तुम्हें बीमार होने ही नहीं दूंगा। तो आयुर्वेदा को अपनाइए और निरोगी जीवन पाइए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू।